नदिया पार की शूटिंग शुरू हो गई है, जिसको लेकर पत्रकारों से बात की गई। हाँ, रोल। नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का दोस्त मैं मनोज अरपन और आप सबको प्रणाम करता हूँ, जो भी ऑडियंस हमारे हैं न्यूज के माध्यम से। अभी कहीं फिल्म शूटिंग के लिए जा रहे हैं क्या? जी, अभी हम लोग अभी भैया के साथ आए हैं और भैया से बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, जो कि अभी जो फिल्म भैया कर रहे हैं, जो अभी चल रहा है शूटिंग, जिसका कि अभी आज लखीमपुर खीरी में शूट चलेगा, बलमौर नदिया पार के, जिसकी भैया लीड कर रहे हैं उस फिल्म के अंदर। और भैया से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं और एक अगली फिल्म जो है रांची में हम लोग करने जाएंगे 10 तारीख के बाद, जिसपे प्री प्रोडक्शन काम चल रहा है, जबकि मैं लीड कर रहा हूँ, भैया भी लीड कर रहे हैं, और बहुत जल्द आप लोग को कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा भोजपुरी इंडस्ट्री में, जिसका भी प्रोड्यूसर है अनिल कुमार जी रांची में। बहुत ही अच्छे इंसान है, समाज सेवी है और बहुत ही अच्छा काम करते हैं छोटे लोगों के लिए, जो भी है, जो नीचे पदान पे जो लोग हैं उनके लिए बहुत हमेशा अच्छे अपना काम करते रहते हैं, योगदान देते रहते हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका अयाज खान और आप सभी को बता दूं कि इस समय मैं लखनऊ में हूं और अपनी फिल्म बलमुआ नदिया पार्क की शूटिंग करने आया हूं। और बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत ही प्यारी फिल्म है और जैसा कि आप लोगों ने टाइटल सुना तो टाइटल के हिसाब से उसकी स्टोरी है और भरपूर अपने प्रयास है, कोशिश है कि एक साफ सुथरी फिल्म बनाई जाए जिससे हमारा पूरा घर परिवार और समाज जो है एक साथ बैठ कर के। और मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से मैंने बहुत सारी फिल्में की, बहुत सारा सीरियल भी किया मैंने और हमेशा आप लोगों की तरफ से मुझे प्यार, आशीर्वाद और दुआएं मिली है। और मैं चाहूंगा कि आप इस फिल्म को भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। जैसा कि भोजपुरी फिल्मों में पहले काफी अश्लीलता टाइप गाने और दृश्य होते थे, अब ऐसा कुछ कम देखने को मिलता है। देखिए, इस बात पे मैं कहना चाहूंगा कि इसमें थोड़ी सारे लोगों को भ्रम है कि लोग ये बोलते हैं कि भोजपुरी फिल्मों में जो है अश्लील गाने होते हैं, ये गलत बात है। चक्कर ये है कि भोजपुरी फिल्मों में नहीं, भोजपुरी एल्बम में ही गंदे गाने होते हैं। जो हम फिल्में, आज हम 10 साल से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में हूँ तो आप फिल्म, कोई भी फिल्म उठा के देखिएगा भाई, फिल्म है थोड़ा सा तो उसमें मसाला रहेगा, थोड़ा सा तो उसमें ऐसा है नहीं कि उसमें भजन कीर्तन रहेगा तो पब्लिक वो भी नहीं देखेगी। तो जो वल्गरिटी के लोग बात करते हैं ना, चूंकि भोजपुरी जो एल्बम बनते हैं, जो भोजपुरी सॉन्ग बनते हैं तो उसपे वल्गरिटी रहती है, तो लोग ये समझते हैं कि ये भोजपुरी फिल्म के ही गाने हैं। तो वो थोड़ा सा ये भ्रम है लोगों में और ये भी कोशिश किया जा रहा है कि जो भोजपुरी एल्बम में भी गाने जो थोड़ा सा दिदर्थी बन रहे हैं या थोड़ी सा वल्गर टाइप के बन रहे हैं उनमें सुधार लाया जाए। रोल, अपना परिचय देते हुए बताएं। जी, मेरा नाम अनूप अरोड़ा है जी, मैं एक अभिनेता हूँ, ज्यादा वक्त भोजपुरी फिल्मों में कर रहा हूँ, काफी लंबे समय से भोजपुरी फिल्मों में। तो इधर लखनऊ कैसे आना हुआ फिर? लखनऊ तो देखिए आना जाना लगातार लगा ही रहता है, क्योंकि आजकल ज्यादातर फिल्मों की शूटिंग लखनऊ में, तीन हब है, मतलब यूपी में हम कहेंगे, एक बनारस है और एक लखनऊ है, दूसरा आगरा है, ज्यादातर शूटिंग यही हो रही है। और भले ही अवधि क्षेत्र कहेंगे लेकिन भोजपुरी फिल्मों की लगातार शूटिंग यहाँ हो रही है, क्योंकि यहाँ सुविधाएं ज्यादा हैं और होटल्स वगैरह, ट्रांसपोर्ट, लोकेशन, एक निर्माता को जो भी चीजें एक फिल्म के लिए चाहिए वो सब यहाँ उपलब्ध हो जाती है, इसलिए हम लोग ज्यादातर लखनऊ में रहते हैं। पहले से काफी बेहतर व्यवस्थाएं, सुविधाएं हैं? हाँ, बहुत 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 अच्छी सुविधाएं हैं। और भोजपुरी क्या, हिंदी फिल्में, वेब सीरीज, यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिन खाली जाता होगा जब कोई कोई शूटिंग यहाँ न हो, पर डे शूटिंग हो रही है, रोज चल रही है। फिलहाल आपका क्या आगे का शेड्यूल है? अभी तो मैं यहाँ से 15 तारीख को गया था वापस, एक फिल्म थी जब हमका मिला धमरा यार से करके। अच्छा, तो मैं था, अर्शद खान उसके हीरो और निर्माता थे, अयाज खान थे, मनोज टाइगर थे, अंजना सिंह हीरोइन थी, वो करके गया। और सौभाग्य से देखिए इसी महीने में दोबारा आने का मौका मिला, ये फिल्म हम लोग कर रहे हैं बलमुआ नदिया पार की। अच्छा, तो मतलब बहुत ही अच्छी पारिवारिक फिल्म है। अच्छा, मैं आज ही आया हूँ, सीतामढ़ी में था, इसके पहले शूटिंग कर रहा था बिहार में, तो आज ही हम लोग को लेकिन यहाँ लखनऊ से शिफ्ट होना पड़ रहा है। लखनऊ में ये लोग 3-4 दिन शूटिंग कर लिए हैं, अब जा रहे हैं लखीमपुर खीरी। अच्छा, और आपकी आने वाली फिल्म जो है? आने वाली फिल्म अर्पण जी के साथ एक है, रांची में हम लोग करने वाले हैं, अनिल कुमार जी वहाँ के हैं, वो उसके निर्माता हैं, तो मैं उसमें, अयाज खान है,
वही कलाकारों का चयन अभी चल रहा है। अच्छा, मनोज अर्पण जी भी है? मनोज अर्पण जी की ही फिल्म है, समझ लीजिए। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो बस लखनऊ में आए, आप लोग मिले। लखनऊ हम लोग का तो पसंदीदा जगह है। जी जी, तो रांची के अलावा लखनऊ और भी कहीं शूटिंग होगी इसकी? इस महीने कुशीनगर में एक शूटिंग है, और एक निर्माता हमारे भागलपुर के जिनके साथ एक फिल्म हम कर चुके हैं, तो उनकी भी 5 या 6 से करने की बात है, मतलब जब फाइनल हो जाए तो। बहुत धन्यवाद। मथुरा